सियाराम, ये आकाशवाणी है। अब सुनिए चौधरी धर्मपाल से हवा महल। हवा महल में मैं आज आपको सुना रहा हूँ, ये है रामायण की झलकी। एक गांव में, एक शहर में रामलीला हो रही थी। अब रामलीला हो रही थी, उस रोज था अंगद संवाद। अंगद संवाद में क्या हुआ कि जो अंगद का पाठ करने वाला था वो एकदम से बीमार हो गया। ये कब का किस्सा है? ये किस्सा जब का है कि जब हमारे देश में, और वो डिस्को बुखार चल रहा था। डिस्को बुखार कौन सा? यानी गर्की होती थी और जूड़ी से बुखार आता था। घर से आदमी बढ़िया जाओ और लौट के जब आवे तो पर उधर से ही है भैया मेरे खाट में छइयो हो, एकदम जूड़ी आ गई, वो डिस्को बुखार था। अब ये है रामलीला की झलकी। अंगद का पाठ करने वाले को बुखार आ गया। अब कमेटी बोली, भाई अब क्या होगा, अब तो ऐसा करो, अब तो आज का ये पाठ कैंसिल करो, क्योंकि ये दो ही प्रकरण अच्छे हैं उसमें, ये संवाद, ये अंगद संवाद है, परशुराम संवाद है, लंका दहन है और लक्ष्मण शक्ति है, भाई आज तो बड़ा हुआ ये तो जुलम। अब एक बोला उनमें से, भैया मैं बताऊंगा आपको क्या, कई एक है मेरी नज़र में और वो बड़ा डील डोल वाला आदमी है और वो दुकानदार है, क्या नाम है, भोलू हलवाई। अब भोलू हलवाई तो है पर वो कहेगा क्या, भाई तीन बात कहवा दीजो, मेरा नाम अंगद है और सीता जी को वापस कर दो और नहीं तो युद्ध की तैयारी कर दो, और इतना कहवा देना, जच जाएगा। वो गए लाला जी के पास, दस बारह जने कमेटी के, लाला जी राम राम। अब तुम जानते हो कि लाला जी तो एकदम से घबरा गए कि ये तो चंदा लेने दोबारा आ गए मेरे पास में। लाला जी बोले के, 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 के कैसे कैसे आयो भैया, मैं तो चंदा दे दियो, मैं चंदा ना राखे करूं, ये कमेटी को काम है चंदा ना राखूं। अजी सुन तो लियो, चंदा की बात ना है, एक बात सुन लियो। छोरा बोले चाचा सुने क्यों ना, क्योंकि ये हैं बनिए, बिगड़िए नहीं बनिए। ला ला जो कुछ है सो ला, सुबह श्याम कीर्तन करें लाला जी रामायण को पाठ, और फिर दुकान पर बैठ के करें एक के आठ, करे एक के आठ, झूठ दिल भर बोलेंगे कितनी करो निगाह मगर कमती तोलेंगे। लाला जी बोले कि मैं तो चंदा दे दियो, कहना चंदा की बात ना है, हमारा जो अंगद का पाठ करता था आज वो बीमार हो गया है, तो आप ऐसा करो ये ड्रेस पहन के और तीन बात कह देना, आप जच जाओगे, मंच पे चलो। मंच पे मैं ना चलूँगा, बहन बैठी सब देखेंगी, मेरा मोहड़ो भी ना फटेगो। लाला जी ऐसी मत करो, हमारी बात बन जाएगी। अब क्या काम हुआ, चाहे लड़का बोलो चाचा चाचा चले जाओ, ये कमेटी को काम है, रामलीला को काम है, हे बस दिना में आवे चले जाओ, बस दो बात कह दीजो, चलो चलो मैं बता दीजो। मंच पे आगे अब अंगद को जो सामान सब पहना दियो, गदा दे दी हाथ में, और जब रावण के पास जब पहुँचे तो एकदम जब पर्दा उठो, जो रावण बन रहा था वो शहर का माना हुआ बदमाश था। अब वो रोजाना उसकी दुकान से उधारी जलेबी खा जाओ। अब देखता है वो कहें ये तो वही आदमी है। जब रावण के दरबार में अंगद पहुंचा, हा 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 हा, रावण बोला जोर से, ओए कौन है जो मेरे सामने खड़ा है, बोलो क्या नाम है तेरा। तो नू कह रहा है ए, कैसे बताऊं, लाला जी कह दो मेरा नाम अंगद है, सीता जी को वापस कर दो, नहीं बाब नहीं युद्ध की तैयारी कर दो।